तो के बच्चों 21 अक्टूबर 2020 हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो 6.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी मेरे जहाँ तक याद है। और बेटा इस एक्सरसाइज में वेरी इजी क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें से कई क्वेश्चन तुमने कर भी लिए थे। कई क्वेश्चन करने से तात्पर्य ये था 20 तक निपटवा दिए थे हमने, अब 21 थियोरिटिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। तो बेटा रवि ने पहली परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए और दूसरी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करे, ठीक होगी बात यहाँ तक। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो हमने मान लिया कि तीसरी कक्षा में वह एक्स नंबर लाता है, तो बेटा औसत कितना हो गया आपका 70 प्लस 75 प्लस एक्स और अपन 3 नहीं हुआ औसत, और औसत होना कितना चाहिए 60। अब 60 के बारे में क्या कहा इसने, 60 अंक का न्यूनतम औसत। अब भाई न्यूनतम का क्या मतलब होता है, अब ध्यान दे इस बात को भाई आप लोग, अब इस चीज को समझने का प्रयास करें आप। अगर कहीं वर्ड आए न्यूनतम तो कौन सा निशान लगता है बच्चों, एक बात का ध्यान दे, मैं कहता हूं कि मेरी जेब में न्यूनतम 100 रुपये हैं, मेरी जेब में न्यूनतम 100 रुपये हैं। न्यूनतम का मतलब कम से कम, तो यानी कम से कम 100 तो मेरी जेब में होंगे, बाकी 101 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, 103 भी हो सकते हैं। यानी न्यूनतम अगर कहीं आए तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वालिटी। ये चीज बेटा आप लोग याद रखें कि अगर कहीं न्यूनतम आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। और उसके बाद क्या, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा को आप क्या बोलते हो, अधिकतम। मेरी जेब में अधिकतम 100 रुपये हैं, तो अधिकतम 100 का मतलब क्या हुआ कि 100 से कम। अधिकतम 100 का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 100 भाई, 99 भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, 10 रुपए भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 100 या उससे कम, तो इसका मतलब कैसा साइन आएगा, लेसर इक्वल। तो ध्यान रहे अगर कहीं न्यूनतम आ गया लिखा हुआ, कम से कम आ गया लिखा हुआ, तो ग्रेटर इक्वल लगता है, ज्यादा से ज्यादा आगे लिखा हो तो लेसर इक्वल लगता है। अब इसने कहा कि औसत कम से कम 60 हो जाए, तो बेटा ये औसत है 70 प्लस 75 प्लस x/3 और ग्रेटर इक्वल कितना हो जाए 60। समझ गए आप लोग क्यों लगा है साइन, इस चीज को आप भली भांति दिमाग में फिट कर ले बिल्कुल कि क्यों लगता है साइन। तो 70 प्लस 75 प्लस x/3 ग्रेटर इक्वल 60। तो बेटा इसको कैलकुलेट करें जरा, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने में क्या लिखेंगे हम यहाँ से, 70 प्लस 75 प्लस x और ग्रेटर इक्वल आ गया आपके पास 180। 3 की गुणा, 3 की दोनों तरफ गुणा करने पर ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि गुणा में भाग के लिए बताया था ना आपको, 3 से दोनों ओर गुणा करने पर। तो यहाँ आया 70 और 75 कितना हो गया, 7 और 7 14 145 प्लस x और ग्रेटर इक्वल आ गया आपके पास 180। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी समझ आई होगी। और ये आ गया x ग्रेटर इक्वल 180 -145 और x ग्रेटर इक्वल ये आ गया 35, कि x का जो मान है यानी तृतीय जो परीक्षा है उसमें नंबर या तो 35 आए 35 से ज्यादा, तब जाके उसका न्यूनतम औसत 60 होगा, नहीं तो 60 से नीचे आ जाएगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन था आपका 21, और 21 के बाद मुझे 22 का क्वेश्चन भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है, कुछ अलग नहीं है। अब 23-24 में से मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, देखो बेटा 23 में क्या, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या के युग्म का मतलब मान लिया हमने भाई, माना विषम संख्या के युग्म x वो x प्लस 2 है। भाई विषम संख्या के युग्म यही तो होते हैं, अगर पहला एक है तो दूसरा 3 नहीं होगा, 3 है तो 5 होगा। तो माना विषम संख्या के युग्म x वो x प्लस 2 है, ओके होगी बात यहाँ तक। अब ये कहता है 23 क्वेश्चन में कि भाई जिनके योगफल 11 से अधिक हैं, तो x प्लस 2
ग्रेटर देन कह रहा, बेटा अधिक कहा इसने, अधिकतम नहीं कहा, ध्यान रहे, खाली अधिक का मतलब तो ग्रेटर ही होगा। तो x यानी इनका जो योगफल है वो कितना है, 11 से ज्यादा, तो x प्लस टू ग्रेटर इक्वल 11, 2x ग्रेटर इक्वल 9, और 2 से भाग देने पर तो x ग्रेटर 9 बाई 2 यानी 4.5। तो x का मान अगर 4.5 से ज्यादा है तो 4.5 से ज्यादा क्या होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है। अब क्या कहा इसने 23वें क्वेश्चन में, 10 से कम, तो 10 से कम का मतलब 9 भी हो जाएगा। ओ सॉरी 6 नहीं आएगा भाई, 5, 7, 9, तो 5, 7, 9 भाई 10 से तो कम कहा इसने, तो 5, 7, 9, तो 5, 7, 9 में युग्म क्या क्या बन गया आपके पास, पहला युग्म आपका बन गया 5 और 7, और दूसरा युग्म आपका बन गया 7 और 9। अब इन पे टर्म एंड कंडीशन आप अप्लाई करो, 5 और 7 का क्या मतलब हुआ कि भाई 5 और 7 दोनों ही क्या है आपके, 10 से कम है, और 10 से कम होने के साथ साथ क्या है, दोनों का जो टोटल है आपका वो कितना आ रहा, टोटल इसने कितना कहा था 11 से ज्यादा, तो दोनों का टोटल कितना है 11 से ज्यादा। तो बात समझ में आ गई, दोनों युग्म आपके तैयार हो गए, कोई दिक्कतों का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो बच्चों इनको आप प्रयास करेंगे, इसके आधार पर आप 24वें प्रयास करेंगे, 25वें प्रयास करेंगे। अब मैं आपको 26वां क्वेश्चन बताता हूँ, सारे क्वेश्चन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम परेशान हो। अब इसने कहा 26वें क्वेश्चन में क्या कहा भाई 26वें में, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। ये भाई एक 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है आपका, तो बेटा ये जो 91 सेंटीमीटर लंबा है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये हो गया इसका प्रथम पार्ट, ये हो गया इसका द्वितीय पार्ट, और ये हो गया इसका तृतीय पार्ट। अच्छा एक बात तो है, टोटल जब ये 91 सेंटीमीटर है तो अगर मैं टोटल करूँ प्रथम पार्ट का प्लस द्वितीय पार्ट का प्लस तृतीय पार्ट का, तो तीनों का टोटल कितना आ जाएगा 91। ये तो बात क्लियर है। अब आगे पढ़ो कहा गया, दूसरे भाग की लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे छोटा ये प्रथम भाग ही मान लो आप, हमने मान लिया, माना प्रथम भाग सबसे छोटा और बराबर x सेंटीमीटर है, क्लियर। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार आपने क्या लिखा, दूसरे भाग की लंबाई, तो बेटा दूसरे भाग की लंबाई कितनी हुई प्रश्नानुसार बताओ आप। इसने कहा है दूसरे भाग की जो लंबाई है वो सबसे छोटे की लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x प्लस 3। अब आप लिखेंगे यहाँ तीसरे भाग की लंबाई, भाई तीसरे की लंबाई कितनी है जरा देखो, तो आप यहाँ से तीसरे की तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, तो यानी 2x होगी। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गई होगी। अब सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका टोटल करो, पहला भाग x, दूसरा भाग x प्लस 3, तीसरा भाग 2x, टोटल 91। बेटा जब आप पार्ट करोगे तो उन पार्टों को जब आप जोड़ोगे तो या तो 91 होगा या 91 से थोड़ा सा कम, कटिंग में भी तो कुछ बुरादा वेस्ट जाता है, ज्यादा तो होने का मतलब ही नहीं बैठता, तो कितना होगा 91 या उससे कम। ये बात तो मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आ गई होगी सबके। भाई तीनों भाग जो पार्ट आपने करे, अलग अलग पार्ट की लंबाई को अगर आप जोड़ते हो तो 91 आएगा, अगर बुरादा बिल्कुल ही वेस्ट ना हुआ, कुछ नई टेक्नोलॉजी से कट गया, और नहीं तो भाई 91 से हल्का फुल्का कम हो जाएगा। तो जोड़ो 2xxx यानी 4x लेस देन इक्वल, ये आ गया 88। अब आप लिखेंगे 4 से भाग देने पर x लेटर इक्वल 22, ये x का जो मान है वो 22 से छोटा है या 22 के बराबर है। अब इतने से तो काम नहीं चलेगा, और पढ़ो भाई इसमें क्या कहा, इसमें सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, यानी x का मान हमें ज्ञात करना। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तो आप लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार तीसरा टुकड़ा, और क्या कहा इसने भाई, दूसरे टुकड़े से, हाँ जी पढ़ो आगे, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, कम से कम 5 सेंटीमीटर
अधिक लंबा है। अब इसके बारे में सोचो तो बेटा, एक तरफ हमने लिख लिया तीसरा टुकड़ा, एक तरफ लिख लिया दूसरा टुकड़ा, तो ये जो तीसरा टुकड़ा है ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। ये तो ऑलरेडी 5 लंबा है, तो 5 इधर जुड़ेगा। फिर इसने कहा कम से कम का मतलब ग्रेटर इक्वल। मुझे उम्मीद है समझ आई होगी बात। भाई तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप 2x बराबर x प्लस 3 प्लस 5, ये तो ऑलरेडी बड़ा है तो इक्वल करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा कम से कम 5 सेंटीमीटर दे, तो कम से कम का मतलब अभी बताया था आपको, क्या बताया था कम से कम का, ग्रेटर इक्वल। तो उम्मीद है क्लियर अभी होगी बात। तो 2x माइनस x ग्रेटर इक्वल 8 और x ग्रेटर इक्वल 8, तो यहां से x का मान 8 से बड़ा है, यहां से x का मान 22 से छोटा है। तो यानी जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसको आप कितना लेंगे, 8 से बड़ा और 22 से छोटा। तो मुझे लगता है 8 और 22 के बीच में अगर कहीं भी ले लेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि आंसर भी शायद ऐसे ही होना चाहिए। तो बच्चों ये बात क्लियर हुई होगी सबके, नहीं होगी कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम पूछेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी चलते हैं। अब शुरू करते हैं दो चर राशियों की रैखिक असमीपता। पहले तो केवल x आता था, अब आपके पास x के साथ साथ y। तो अब हम 6.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे। और 6.2 तो जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई लेस देन 5, बट ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, कोई घबराने वाला विषय नहीं है। सबसे पहले इस लाइन को आप अक्षों पर रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप अक्षों पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। x प्लस वाई बराबर 5 को x बराबर 0 रखो तो y बराबर 5, ये बात आपको याद होगी दसवीं से। तो किसी रेखा को अक्षों पर रिप्रेजेंट करते हैं तो जरूरी नहीं 0 ही रख लो, बस 0 से थोड़ा सा आसान पड़ती है कैलकुलेशन। तो पहला जो पॉइंट आया आपके पास x का मान 0 और y का 5, a मान लिया, y का मान 0 रखा तो x का 5 आ गया, तो ये हो गया 5 0, इसको आपने b मान लिया। तो जरूरी नहीं बच्चों आप 0 ही रखो, आप 1 2 भी रख सकते हो। x का मान 1 रखा वाई आ गया, x का मान 2 रखा वाई आ गया। लेकिन क्या है ना, 0 रखने से एक तो अक्षों पे आ जाता है मान, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहती है, कई काम आसान हो जाते हैं। तो वो तुम्हारी मर्जी है, दसवीं में तुमने जैसा भी सीखा होगा, भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता था। तो बेटा इसको आपने x लिखा, इसको x डैश, इसको आपने y लिखा, इसको आपने y डैश। तो 1 2 3 4 5, तो बच्चों इसको आप 5 0 बोलेंगे, और मुझे लगता है इसको b बोलना चाहिए तुम्हें। इसको 1 2 3 4 5, तो x का मान 0 है, y का मान 5 है, इसको आप a बोलेंगे। तो a से b को हमने मिला दिया ऐसे। चाहो तो मिली हुई रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखा कितनी आ गई आपकी, x प्लस वाई बराबर 5। मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात। ये बात तो तुम दसवीं से ही करते आ रहे, कोई लफड़ा नहीं है। मेन चीज है इसमें ये जो लेसर लग रहा है बेटा, जैसे आपने पॉइंट का पढ़ा था x लेस देन 5, x लेस देन 5 को आप रियल नंबर पे 5 पे सिंपल सा सर्कल कर देते थे, और सर्कल कैसा करते थे, ब्लैंक, क्योंकि इसमें क्या है लेस देन के साथ इक्वल टू नहीं है। उसके बाद उसकी शैडो आप किधर को चला देते थे, कम की तरफ को, क्योंकि ये कम है। तो यहां भी तो शैडो होगी इस रेखा की, भाई ये जो रेखा है इसकी भी तो शैडो होगी। भाई पॉइंट की शैडो लाइन के रूप में आती थी, लाइन की शैडो कैसे आएगी, एरिया के रूप में। या तो इसकी शैडो इधर को चलेगी या इसकी शैडो इधर को चलेगी। भाई लेस देन ग्रेटर देन में यही तो समस्या है, क्योंकि इनमें शैडो होती है, इनमें मान अनलिमिटेड तक चलता है। तो अब हमें चेक करना है इसकी शैडो इधर आएगी या इसकी शैडो इधर आएगी। तो इसके लिए बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि आप किसी भी बिंदु से संतुष्ट करा के देख लो रेखा को। मान लो 0 0 से संतुष्ट होगी रेखा, तो सीधी बात है इसकी शैडो इधर को चलेगी, 0 0 को कवर करती भी चलेगी। उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, 1 0, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, 0 1, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, 1 1, नहीं बोलोगे 1 1। तो जरूरी नहीं आप 0 0 से संतुष्ट करो, आप 1 1 से भी करा सकते हैं, आप 1 0 से भी करा सकते हैं, आप 0 1 से भी करा सकते हैं। शर्त ये है जिस पॉइंट से आप संतुष्ट करा रहे हो, अगर संतुष्ट हो गई रेखा तो शैडो उसको कवर करेगी, यानी शैडो उसको ढक देगी, और अगर संतुष्ट नहीं हुई तो शैडो अपोजिट साइड में भाग जाएगी।
ये तो आप पहले से ही जानते हो, अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो वह उसको संतुष्ट करता है। यहाँ भी वही है, अगर कोई पॉइंट किसी रेखा की शैडो को संतुष्ट करता है तो शैडो उसको कवर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो बेटा जीरो जीरो में इसलिए रखता हूँ ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे शैडो यानी रेखा की छाया के लिए। तो छाया के लिए क्या करेंगे, अब x प्लस वाई लेस देन 5 को ही रखेंगे। पहले तो इक्वल टू लग दिया था, बेटा ध्यान रहे इक्वल टू तब रखते हैं जब पॉइंट निकालते हैं, और ध्यान रहे जब रेखा चित्र में आ जाती है तो यहाँ भी आप क्या रखते हैं, इक्वल टू। ठीक है, सब बच्चे ग्राफ ले लें। तो अब x प्लस वाई छाया के लिए लेस देन 5 में कहीं से संतुष्ट करना चाह रहे, जीरो जीरो से संतुष्ट करने पर। तो x का y का मान जीरो रखा, जीरो लेस देन 5 इसका मतलब क्या हुआ, टू। टू का मतलब सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब शैडो इधर को चलेगी। तो शैडो के लिए बेटा यहाँ आप इसके लग के इधर को आप कलर कर दें। मैंने बोला था ना पुराने कलर वगैरह ले लेना या पेंसिल ले लेना, ऐसे ये। तो ये आपका आंसर, यही आपका क्वेश्चन। ठीक, तो आप ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन में। तो बच्चों कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 6.2 के 10 क्वेश्चन। तो आप इनको निपटाएं, फिर हम कल नए शुरू करेंगे और उदाहरण भी आप 11 तक कर लें। यानी आज का जो गृह कार्य है, आज के गृह कार्य में उदाहरण कहाँ तक कर लें आप, 11 तक, और 6.2 के ऑल क्वेश्चन। जो नहीं होगा मेरे से प्रॉब्लम में पूछ ले, और 6.1 के जो रहेंगे 2-3 क्वेश्चन वो भी आप करें। तो इस कार्य को फटाफट निपटाएं और फिर मुझे फटाफट फोटो भेजें, फिर अगला कार्य हम करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। किसी को कोई बात समझ नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना।